जनवरी से अभी तक ये तादाद 128 के करीब पहुंची है इस साल में, और इस महीने की तादाद जो पिछले बहुत सालों में सबसे ज़्यादा है, 48 जो टेररिस्ट हैं वो इस महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हुए हैं, बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। आज रात भी जो ऑपरेशन शुरू किया था वो कल्मिनेट हो चुका है बिजबिहाड़ा में। वह एक मासूम बच्चे की हत्या करने वाला आतंकियों का ग्रोह और एक सीआरपी के जवान की हत्या करने वाला, दोनों को आज मार दिया है, और बाकी का ऑपरेशन अभी एक दो जगहों पे और चल रहे हैं। कल जो ऑपरेशन अनंतनाग चबल में हुआ था, उस ऑपरेशन के दौरान जो डोडा का आखिरी बचा हुआ मिलिटेंट है वो भी मार दिया गया, जिससे डोडा जिला अभी मिलिटेंसी मुक्त हुआ फॉर द टाइम बीइंग। ये कार्रवाई पुलिस सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के सब जगहों पे कर रही है, ताकि अपने आवाम को, जिन्होंने बहुत सारे सालों से यहाँ पर इस दहशत के माहौल में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, अपने बच्चे, अपने नियर एंड डियर, अपने रिश्तेदार, उनकी जानें उनकी जाया हुई है, बेगुनाह लोगों के कत्ल टेररिस्ट ने किए हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। हमारी कोशिश है कि एक तो अमन का जो सिलसिला वहाँ पर पहले से बेहतर हो रहा है उसको और मजबूत किया जाए, और इसके साथ साथ वहाँ पर लोग जो सताए हुए हैं इनके जबर और सितम के, उनको जबर और सितम से जो है वो निजात मिले, उनको राहत मिले उस जबर और सितम से, उसके लिए हमारी फोर्सेस और पुलिस मिल के काम कर रही है। सर, मैं इस बात की तायद नहीं करता, कोई समय सीमा रखना जो है वो अभी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन की बिट्स भी करवा रहा है, बार बार आतंकियों को और क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, मगर हमारी कोशिश ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आतंक से मुक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर के, जिनको इतनी देर तक तकलीफ का सामना करना पड़ा है, उनको आराम मिले, उनको चैन मिले। कल शहीद अली शाह गलानी ने भी अपना जो डिसोसिएट किया हुर्रियत से, और उस चिट्ठी में जो जिक्र किया है उन्होंने, अपना रोना जो उसके अंदर रोया है कि हमने इतने साल लोगों की जानो माल का नुकसान पहुँचाया है, हम जिस रास्ते पे चलना चाहते थे, जो मिशन था उसमें नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं, लोगों ने जाति मुफाद के लिए हुर्रियत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है, वो खुद ब खुद इनकी हताशा, इनका नकारापन, इनकी नेगेटिव सोच, इनकी नेगेटिव एक्टिविटीज जो सब शुरू से लेकर अभी तक हुई हैं उनको दर्शाता है। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.